हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड पर प्रॉब्लम है। और रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.29 सेंटीमीटर इनटू 1.45 सेंटीमीटर एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 9 गीगाहर्ट्ज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्री स्पेस वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ। तो हमें तीन जो है पैरामीटर फाइंड करने हैं जो हमें प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो हमें दी गई है उसमें हमें तीन पैरामीटर फाइंड करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो गिवन क्या, हमें एरिया दिया हुआ है 2.29 सेंटीमीटर इंटू 1.45 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है क्योंकि जो वेव गाइड है वो क्या है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है तो ए जो ब्रेथ होगा वो क्या हो जाएगा 2.29 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा 1.45 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 9 गीगाहर्ट्ज़। अब पहला पार्ट है जो आपको कैलकुलेट करना है, फ्री स्पेस वेवलेंथ। तो फ्री स्पेस वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। ठीक है, यानी इस वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×10^8। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 9 गीगाहर्ट्ज़, यानी 9×10^9। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 3.3 सेंटीमीटर, या मीटर में कितना हो जाएगा, 0.033 मीटर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे हम देखते हैं कि अब हमें दूसरा जो पार्ट कैलकुलेट करना था वो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने मान लिया है कि एज्यूम द मोड इज TE10, कोई भी हम मोड मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि यहाँ पे मोड दिया हुआ नहीं है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एम और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको कोई मोड एज्यूम करना होगा। यहाँ पे मैंने लिया TE10, आप लिख सकते हैं TE01, TE11, कोई भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया TE10, तो ये क्या होता है, डोमिनेंट मोड होता है। तो m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 है, तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 अंडर रूट m बाई ए का होल स्क्वायर प्लस n बाई बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसमें m की वैल्यू 1 रख दिया, n की वैल्यू 0, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना है, C/2a। सी आपको पता है कि 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जो है 2a आपको दिया हुआ था 2.29 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको भी हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो फ्रीक्वेंसी आई है वो आया 6.55 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो हमें निकालना है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/fc, जो कि C की वैल्यू हमें पता है 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं जो कि है 6.55 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो आई है कट ऑफ वेवलेंथ वो कितना है, 0.045 मीटर। ठीक है, ओके, थैंक यू।